हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये आइसोमेट्रिक पाइप ड्राइंग के बारे में। ये एक ड्राइंग हमारे व्यूअर से सब्सक्राइबर है हमारे चैनल का जो भेजे हैं देखने के लिए। इसमें क्या क्या मटेरियल लगा हुआ है और इसका डायरेक्शन कैसे देखेंगे और इसका टेम्पलेट कैसे बेंड करेंगे और इसका डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं इस ड्राइंग का जो है नॉर्थ जो है इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ये कॉर्नर जो है साउथ हो गया और ये कॉर्नर वेस्ट और ये कॉर्नर ईस्ट हो गया। तो ये जो लाइन है, अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं फैब्रिकेशन करने के लिए, तो ये जो है नॉर्थ में जा करके और ये डाउन हो रहा है और डाउन होने के बाद यहाँ से इस तरीका से ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और ईस्ट की तरफ जाने के बाद यहाँ पे एक रोलिंग है। रोलिंग में हम देखेंगे कि दोनों तरफ का डायमेंशन कितना है, उसके हिसाब से हम ये डिग्री का पता कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर डिग्री लिखा गया है कि 45 डिग्री का यहाँ पे एल्बो लग रहा है, तो ये 45 डिग्री में है। तो यहाँ से ये 45 डिग्री ईस्ट के तरफ जा करके अप हो रहा है, ईस्ट से अप 45 डिग्री में ये रहेगा। अप होने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो लगेगा फिर से और फिर ये नॉर्थ के तरफ चला जाएगा। तो इस तरीका से ये सब होने के बाद फिर यहाँ पे एक वेल्डोलेट लगा करके और यहाँ पे एक लाइन डाउन हो रहा है। डाउन होने के बाद फिर ये साउथ में आ रहा है, साउथ होने के बाद फिर ये ईस्ट के तरफ जा रहा है। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक वेल्डोलेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है, यहाँ भी एक 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है और बीच में ये पाइप है और यहाँ पे एक लास्ट में फ्लैंज है, फ्लैंज के बाद वाल्व है। वाल्व जो है गेट वाल्व है जिसमें अगर राउंडिंग कुछ सिंबल दे रहा है तो बॉल वाल्व या ग्लो वाल्व भी हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ राउंडिंग नहीं दे रहा है, सिर्फ हैंड व्हील का डायरेक्शन दे रहा है कि साउथ की तरफ रखना है। यहाँ पे हल्का सा टी जैसा बना हुआ है, तो ये जो है गेट वाल्व ये लगाया गया है। लाइन जो है कितना इंच का है यहाँ पे लिख दिया गया है, ये जो है 2 इंच का लाइन है और ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन का जो साइज है इधर कहीं पे लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है लाइन का जो साइज है 20 इंच का लाइन है, 20 इंच NPD लिखा गया है। नेमिनल पाइप डाया 20 इंच का पाइप है, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब 20 इंच का लाइन रहेगा। और यहाँ पे जो वेल्डोलेट जो लगा हुआ है ये 20x2 इंच का वेल्डोलेट लगा करके इसको डाउन करना है। और यहाँ से वेल्डोलेट के बाद और ये एल्बो लगाने के लिए हमको यहाँ पे पाइप कितना इंच का लगेगा, ये जो 2 इंच का पाइप है यहाँ पे देख सकते हैं इंच में भी डायमेंशन लिखा गया है और mm में भी डायमेंशन लिखा गया है, यानी कि 9 इंच होना चाहिए और नहीं तो अगर आप mm में ले रहे हैं तो 229 mm आना चाहिए वेल्डोलेट के ज्वाइंट से लेकर के एल्बो सेंटर तक। तो इसमें क्या होगा, आपका 2 इंच का एल्बो सेंटर जो है माइनस हो जाएगा, 2 इंच का एल्बो सेंटर 76 mm माइनस कर देंगे इसमें, जितना आएगा उतना का इसमें पाइप लगेगा। फिर यहाँ से इस पाइप के सेंटर से इस एल्बो के सेंटर तक दे दिया गया है यहाँ पे डायमेंशन 229 mm, इसमें दोनों साइड में आपका एल्बो सेंटर जो है माइनस हो जाएगा, जैसे 76 और 76 mm दोनों साइड माइनस होगा, तो इसमें आपका जितना बचेगा उतना यहाँ पे पाइप का डायमेंशन हो जाएगा। इधर कोई पाइप नहीं लग रहा, एल्बो में डायरेक्ट फ्लैंज लगाना है। सेम वैसा ही यहाँ पर भी डायमेंशन दिया गया है, डायरेक्ट एल्बो सेंटर से लेकर के और यहाँ पे एक फील्ड वेल्ड ज्वाइंट दिया है इस ज्वाइंट तक, जो पाइप का इंच में और फीट में डायमेंशन दिया गया है, तो 18 फीट 4 इंच का डायमेंशन दिया गया है, 18 फीट 4 इंच। अगर आप फीट में डायमेंशन देखेंगे तो अगर हम mm में देखेंगे तो यहाँ पे मिलीमीटर में भी लिखा गया है 5m 588 mm रहना चाहिए, 5m 588 में 20 इंच का एल्बो सेंटर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एल्बो सेंटर माइनस करने के बाद हम देखेंगे कि कितना यहाँ पे डायमेंशन बच रहा है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपको 245 mm एक्स्ट्रा पाइप और रखना है, तो यहाँ पे दे दिया है फील्ड वेल्ड। अगर आपका पाइप इतना लंबा अगर हो रहा है दोनों को प्लस करने के बाद, अगर उतना लंबा पाइप हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट उतना पाइप ही लगा दीजिए दोनों को प्लस करने के बाद, इसमें एक ज्वाइंट रखने का कोई जरूरत नहीं है, वरना ये 245 mm की दूरी पर कोई ज्वाइंट नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अगर पाइप छोटा पड़ रहा है, इतना डायमेंशन का नहीं है, तो आप ये ज्वाइंट दे सकते हैं। यहाँ पे दे दिया गया है कि 245 mm की दूरी पर एक आपको एक्स्ट्रा पाइप रखना है उसका, लेकिन वेल्डिंग जो है फील्ड वेल्ड रहेगा, वेल्डिंग नंबर 9 है और FW लिख दिया है, तो ये फैब्रिकेशन में आपको वेल्डिंग नहीं करना है। और इस पाइप का जो एक्यूरेट डायमेंशन में निकालने के लिए 20 इंच का एल्बो सेंटर माइनस कर देंगे। 20 इंच का एल्बो सेंटर निकालने का फॉर्मूला भी मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, कोई भी एल्बो सेंटर निकालना हो 90 डिग्री का हो या कोई भी डिग्री का एल्बो सेंटर निकालना हो, वो सबका फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ कैसे निकालना है।
20 इंच का एल्बो सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 20 इंच इंटू 38.1 कर देंगे तो 20 इंच का एल्बो सेंटर निकल जाएगा, जितना निकलेगा हमको इस डायमेंशन में माइनस कर देना है। जो आप देख रहे हैं ये सब जो नीचे में जो डायमेंशन लिखा गया है ये सपोर्ट के लिए दिया गया है कि आपको कितने दूरी पर ये सपोर्ट लगाना है। ये जो एक डैश टाइप का जो दो दिया गया है, ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट का जो डिटेल है S126 जो लिखा गया है ये यहाँ पे दिया गया है। 12 नंबर में आप देखेंगे 20 इंच का यहाँ पे डायमेंशन है और उसका यहाँ पे नंबर लिख दिया गया है, 6 जो लिखा है, यानी कि 6 सपोर्ट रहेगा इस तरीका का, और उसका ये नंबर है। इस नंबर के हिसाब से आप सपोर्ट का डिजाइन देख लेंगे किस डिजाइन का यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है पाइप का। तो इस तरीका का जहाँ भी आप देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पे भी है सपोर्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे भी वही सपोर्ट है, और एक यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है और एक यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है, यहाँ भी सपोर्ट लग रहा है। ये सब किस तरीका का सपोर्ट है क्या है आप उसको देख लेंगे, आपको डिजाइन में किस तरीका का सपोर्ट लगाना है वो सब आपको मिल जाएगा, एक अलग ड्राइंग आता है सपोर्ट का। और यहाँ से ये डाउन होने के बाद यहाँ पे जो एल्बो में और ये एल्बो डायरेक्ट यहाँ पे एल्बो का ज्वाइंट रहेगा, लेकिन आपको ये एल्बो का ज्वाइंट करना नहीं है, यहाँ से और यहाँ तक एक अलग स्पूल आपको बना देना है। ये एल्बो जो है आपको वेल्डिंग नहीं करना है, यहाँ से ये अलग रहेगा, फील्ड वेल्ड रहेगा, और इस पाइप के ऊपर ये नंबर आपको लिख देना है। फैब्रिकेशन करने के बाद ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर आपको लिख देना है, जैसे ये स्पूल नंबर 3 हो जाएगा और ये स्पूल नंबर जो है 2 हो जाएगा और ये स्पूल नंबर 2A हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीका से सब पे ये जो नंबर दिया गया है, एक टैग रहेगा, टैग एल्युमिनियम का टैग आता है, उसके ऊपर वायर वगैरह बांध करके और उस टैग के ऊपर पंच से मार करके, नंबर पंच आता है, नंबर पंच मार के और उसके हम पाइप में लगा देंगे, और पाइप के ऊपर मार्कर से भी लिख देंगे ये जो नंबर है, ये नंबर लिख देंगे कि कौन सा पाइप कहाँ का है, ये सब टोटल आप ड्राइंग नंबर लिख देंगे जो दिया गया, तो ये आपको मिल जाएगा, कहीं भी रहेगा तो आप देख सकते हैं कि कौन से पाइप का ये कनेक्शन है, कहाँ पे लगाना है। फिर यहाँ से ये एल्बो डायरेक्ट है, ये जो दे रहा है ये एल्बो है, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट एल्बो का डिजाइन है, और एल्बो सेंटर से कितने दूरी पर ये सपोर्ट लगाना है ये दे दिया है डायमेंशन। एल्बो सेंटर माइनस करने के बाद हम ज्वाइंट से भी माप सकते हैं कि कितने दूरी पर ये सपोर्ट लग रहा है, ठीक है। 1 मीटर 708 mm दिया है डायमेंशन, जिसमें हम एल्बो सेंटर माइनस कर लेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे कितने दूरी पर ये सपोर्ट लगाना है। इस सपोर्ट से फिर ये जो पाइप में वेल्डोलेट लग रहा है, इस वेल्डोलेट का यहाँ पे डायमेंशन दे दिया है, कितने दूरी पर वेल्डोलेट लगाना है आपको डाउन की तरफ। फिर ये वेल्डोलेट से इस सपोर्ट का डायमेंशन दे दिया है, कितने दूरी पे आपको सपोर्ट लगाना है। फिर इस सपोर्ट से फिर इस सपोर्ट तक का डायमेंशन दे दिया है, यहाँ पे कितने दूरी पे आपको लगाना है, इंच और फीट में भी दिया गया है और मिलीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 फीट के दूरी पर ये सपोर्ट लगाना है। अगर आप इसे मिलीमीटर में अगर आप देखते हैं तो 6 मीटर 96 mm पर लगाना है। और ये ऊपर वाला जो एक डायमेंशन दे दिया है कि इस जॉइंट से ये जो 45 डिग्री का एल्बो जो लग रहा है, यहाँ भी एक फील्ड वेल्ड है, तो इस जॉइंट से ये वेल्डोलेट का जो है डायमेंशन दे दिया गया है। यहाँ पे 12 मीटर 142 एमएम की दूरी पर ये वेल्डोलेट आना चाहिए इधर से अगर आप मापेंगे तो। और यहाँ पे ऊपर में भी फिर से वही डायमेंशन दे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 12 मीटर 449 mm। तो यहाँ पे एल्बो सेंटर माइनस नहीं किया गया, इसीलिए यहाँ पे डायमेंशन बढ़ जा रहा है। यहाँ पे जो इसका एल्बो है, एल्बो सेंटर जो है आप देख सकते हैं 20 इंच 45 डिग्री एल्बो का 318 mm एल्बो सेंटर यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसमें 318 माइनस करेंगे तो यही वाला डायमेंशन आपको इसमें भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी ये जो डायमेंशन लिखा गया है ये डायरेक्ट एल्बो सेंटर से और इस एल्बो सेंटर तक डायमेंशन लिखा गया है। इसमें 45 डिग्री का एल्बो सेंटर माइनस होगा और एक 90 डिग्री का एल्बो सेंटर माइनस होगा उसके। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में 1524 और 1524 लिखा है, इसका मतलब ये 45 डिग्री में ये अप हो रहा है। यहाँ पे जो डायमेंशन आप देख रहे हैं 10 मीटर 262 mm जो लिखा गया है ये एल्बो सेंटर माइनस करके लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ये ज्वाइंट से एक लाइन खींच दिया गया है, लाइन खींचने के बाद यहाँ पे ये जो डायमेंशन दे रहा है इस ज्वाइंट तक, ये करेक्ट पाइप का डायमेंशन दिया गया है, इसमें आपको एल्बो सेंटर माइनस नहीं करना है। 10 मीटर 262 से अगर ज्यादा लंबा पाइप है तो आप ये भी पाइप जो है उसमें ऐड करके लगा देंगे, बीच में ये ज्वाइंट मत दीजिए। 245 mm और एक एक्स्ट्रा पाइप उसमें रखना है आपको, आगे पीछे लाइन हो सकता है इसीलिए दे दिया है। फील्ड वेल्ड एक रखना है, मतलब और एक्स्ट्रा पाइप लग सकता है इसीलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे एल्बो सेंटर माइनस कर दिया गया है। और ये जो सपोर्ट का जो डायमेंशन दिया गया है ये एल्बो सेंटर माइनस करके नहीं दे रहा है, डायरेक्ट एल्बो सेंटर से दे रहा है। ये देखिए एल्बो सेंटर में आके यहाँ पे तीर
एरो का निशान यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सपोर्ट का जब आप मार्किंग करेंगे तो उसमें आपको एल्बो सेंटर जो है 90 डिग्री का माइनस करके उसके बाद ये सपोर्ट का आपको मार्किंग करना है। आप उस साइड से भी मार्किंग करके आ सकते हैं, नहीं तो इधर से जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइंट से मेजरमेंट अगर आपको करना है तो एल्बो सेंटर माइनस करके उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करेंगे कि कितने दूरी पर सपोर्ट आ रहा है ये सब। इसका टेम्पलेट भी आपको मैं एक मोड़ के दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से इसका टेम्पलेट मोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड, इस ड्राइंग का टेम्पलेट कैसे मोड़ेंगे, जैसे कि इस तरीके से हम वायर ले लेंगे और हमारे सामने नॉर्थ हो गया और इधर साउथ और इधर वेस्ट हो गया और इधर ईस्ट हो गया। तो फ्रेंड, हम यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये जो लाइन है साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो हम इस तरीका से ये साउथ से हम नॉर्थ ले लेते हैं, ये जो लाइन है साउथ से नॉर्थ चला गया। साउथ से नॉर्थ जाने के बाद अब यहाँ पे दिखा रहा है ड्राइंग में, यहाँ से डाउन हो रहा है, यहाँ पे दो एल्बो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीका से यहाँ पे डाउन हो रहा है लाइन। ये साउथ जाने के बाद ये डाउन हुआ, डाउन होने के बाद फिर यहाँ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे एक और ऐसे ये एल्बो लग गया इस तरीका से, यहाँ पे दो एल्बो हो गया ये एक साथ में, ठीक है, ये दो एल्बो एक साथ में हो गया ज्वाइंट यहाँ पे। और ये जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ गया, डाउन हुआ और डाउन होने के बाद फिर ये ईस्ट जा रहा है, ठीक है, ये लाइन जैसे ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट में जाने के बाद फिर यहाँ से ये लाइन 45 डिग्री में यहाँ से ये अप हो रहा है इस तरीका से, ठीक है, ये 45 डिग्री में यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक एल्बो लग के 45 डिग्री में अप हो गया। और अप होने के बाद फिर यहाँ से ये लाइन और एल्बो लगा करके ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का मान लीजिए इस तरीका से एल्बो लग गया और ये नॉर्थ की तरफ इस तरीका से चला गया, देख सकते हैं इस तरीका से ये नॉर्थ की तरफ चला गया। इस डिजाइन में ये रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, इस डिजाइन में ये लाइन रहेगा। और यहाँ पे एक वेल्डोलेट लगेगा नीचे में, अगर हम उस लाइन को भी अगर हम मोड़े इस तरीका से, एक ऐसे आपको डाउन कर देना है, ये जो हो गया डाउन हो गया, और डाउन होने के बाद फिर ये साउथ आ रहा है इस तरीका से, ये डाउन हो गया और डाउन होकर ये साउथ आया, और साउथ होने के बाद फिर यहाँ से ये ईस्ट की तरफ बेंड हो रहा है, हमारे तरफ ईस्ट है, इस तरफ ईस्ट है, तो हम ऐसे एक ईस्ट की तरफ बेंड कर लेंगे, इस तरीका से रहेगा। इस तरीके से ये डाउन हो गया, डाउन होने के बाद ये साउथ गया, देख सकते हैं आप ड्राइंग में, इस तरीके से ये डाउन हुआ और ये साउथ गया, ये साउथ चला गया, उसके बाद साउथ होने के बाद फिर ये ईस्ट जा रहा है। तो यहाँ से ये ईस्ट की तरफ यहाँ पर ये फ्लैंज लग जाएगा, यहाँ तक रहेगा, ये फ्लैंज लग जाएगा, इस तरीके से आपको डाउन रहेगा।